ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये डीन ऑफ कॉलेजेस, सर ये चोर चोर मुसेरे भाई, सब क्रिमिनल एक साथ है डीयू में। क्यों सर, अगर एक चोर ने हाथ क्यों पकड़ा पता है? एक चोर जाएगा ना तो वो चोर दूसरे का नाम लेगा, एक का गला कटेगा, वो बोलेगा इसका भी इसका भी इसका भी, इसलिए चोर सब इकट्ठे हो गए। चोरों को लगा वो बिल्ली दूध पीती है ना, आंखें बंद कर लेती है, मुझे कोई नहीं देख रहा, इनको लग रहा है इनको कोई नहीं देख रहा। हम ना प्राचा जी की ना ये याद रख ले मीडिया और जितना भी बहुजन समाज गया, ये जो जातिंकी देख रहे हैं, एक खासियत है, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना चीज के कोई ऐसी हम ना घर से बाहर कदम नहीं उठाते। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो सोचो हम कितने पावरफुल होंगे, सबूत को लेके कितना कुछ होगा हमारे पास। इनकी जड़ें उखाड़ देंगे हम, जातिवादियों का उखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे हम। हम बताएंगे यूनिवर्सिटी में राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का, कोई भी संघवाद नहीं चलेगा। जातंकी आतंकी जो होता है ना, वो दूसरे देश पे हमला करता है, ये जातंकी तो अपने ही मुस्लिमों पे हमला करते हैं, तो ये जातंकियों को बता देंगे सामाजिक कल्याण के जो झंडे उठाते हैं, सामाजिक कल्याण परिवार कल्याण नहीं होता, सोशल जस्टिस डज नॉट मीन परिवार का कल्याण, इनको हम बता के रखेंगे। रितु सिंह चाहे जिसने तुमने सोचा जरा VC का कैमरा कहाँ है सुन ले, क्या सोचा था है रजिस्टर, परिवार खत्म करोगे मेरा है, अंबेडकर के चेले हैं, परिवार की परवाह नहीं करते, पूरा बहुजन समाज परिवार है मेरा, किस किस को खत्म करोगे, किस किस के साथ अन्याय करोगे? जय 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 भी जय भीम जय भी जय 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 भी जय भीम जय, रोटी नहीं मिलेगी रह लेंगे, सब सह लेंगे, आंधी तूफान जितना भी जैसा भी हो बर्दाश्त कर लेंगे, आत्म सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, बाबा अम्बेडकर का सिर झुकने नहीं देंगे। प्राचा साहब जल्दी डेट अनाउंस करो, हम मुकाबले हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर को हमें देना पड़ेगा जी। डॉक्टर रितु दलित प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे DU के, देखिए दलित प्रोफेसर क्यों नजर नहीं आ रहे ये आप उनसे पूछें जाके। मैंने अभी कहा किसी सामाजिक कल्याण उनकी नजरों में परिवार कल्याण है, किसी को अपनी बेटी लगानी है, किसी को पति लगाना है, किसी को साला लगाना है, किसी को भांजी लगानी है, परमानेंट करनी है, तो ये उनकी सामाजिक कल्याण की परिभाषा है। वो नल्ले भूल चुके हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ बाबा साहेब का दिया रिजर्वेशन उनके दादा बाबा की होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा पे बैक टू सोसाइटी का मतलब, उनके अकाउंट में हर महीने 2.5-3 लाख की सैलरी आती है, तो वो जो भूल चुके हैं कि किसकी वजह से ये पैसा उनके अकाउंट में आता है, तो उनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, मुर्दों से आप उम्मीद कर सकते हो। और कहा है ना हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं, जो ये सोचते थे संघर्ष करेंगे हक की आवाज उठाएंगे तो मारे जाएंगे। आप लंबे समय से हम लोगों का नंबर आखिरी है, आवाज उठाने वालों का नंबर आखिरी है, लेकिन जो दलाल है जो गुलाम है उसका नंबर पहले है, प्राचा साहब कहते हैं। आप लंबे समय से बैठी हैं, क्या VC ने या प्रिंसिपल ने बात की है आपसे? दलालों की हिम्मत है हमसे आगे बात करने की? गद्दारों की हिम्मत है हमसे? चोर आएगा कभी पुलिस के सामने, हाँ जी मैंने चोरी करी है? नहीं, पुलिस का काम है चोर को पकड़ के लाना, तो हमारा काम है और उनको बात करना उनका फर्ज था, हम क्यों उनको बताएं जाके, हम क्यों पूछे, उनको दिख नहीं रहे हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं, मामला तो नौकरी दलित से रिपोर्ट बैंक से आ रहा है, क्यों नौकरी? दलाल चाहते हैं कि हम नौकरी लेके मूवमेंट कर दो, मेरा तुम्हारी नौकरी रखो जेब में, तुमको ना तो मुझे नौकरी देने वाले, खुद अनमेरिटोरियस, खुद के अंदर टैलेंट नहीं, खुद की काबिलियत नहीं, खुद तो हो ही नॉट फ्रॉम सूटेबल, खुद के तुम्हारे गॉड फादर ना हो ना तो भगा भगा के तुम्हें भगाए मारे यहाँ यूनिवर्सिटी से, काबिलियत नहीं है इनके अंदर, काबिलियत हमारे बच्चों, मेहनत हमारे बच्चे करें। कैसा न्याय चाहते हैं आप? न्याय अनअडल्ट्रेटेड होलिस्टिक जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। रोहित वेमुला से के पायल तडवीज लेके डॉक्टर चंद्रशेखर, समरवीर हिंदू कॉलेज के IIT का आयुष, IIT का अनिल, डॉक्टर रितु, सब होलिस्टिक जस्टिस। होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचेगा, SC ST एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। ये पुलिस खड़ी है ना आपके सामने, ये पुलिस खड़ी है, यही DCP ना मॉरिस नगर के, रतन लाल को एक फर्जी FIR में अरेस्ट किया रातों रात, इस क्रिमिनल को क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सुन लो, कोर्ट ने नहीं कहा अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट कहीं नहीं कह रहा, ये बकवास के झूठ जो कानून पे विश्वास नहीं रहा, राजा साहब बड़े वकील है क्या ये? हमारे पास पूरी लीगल टीम नहीं, डॉक्टर रितु को कानून पे विश्वास नहीं रहा कि आप जो सड़कों पे आना पड़ा, राजा साहब से पूछे इस चीज का, हर मुद्दे पे लोग बटे हुए हैं आज, सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे सड़क पे नहीं आएंगे, दलितों के लिए सड़क पे। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, मेरी बात सुनो, ये जो लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है ना, ये डॉक्टर रितु की नहीं है, रोहित वेमुला की नहीं है, ये किसी चीज की लड़ाई नहीं है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन
खादी और खाकी के जो हमारे नौकर है ना, हम मालिक है इस देश के, इन नौकरों को इनकी नौकरी याद दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। 131 जो बैठे हैं नमक हरामी कर रहे हैं हमारे समाज के, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत जो वहां पर बैठे हैं ना, उनकी टांग पकड़ के खींच के उनकी छाती में पैर रखकर रोंदने की तैयारी चल रही है। और हम इस देश के मूल निवासी है, ये देश हमारा है, इस देश के मालिक है, और मालिक ने जिस नौकर को नौकरी दी थी हमारे घर को देश को बचाने की, उसकी रक्षा करने की, हमारी देखभाल करने की, उस नौकर से नौकरी छीनने की तैयारी यहाँ से चल रही है। ये लड़ाई हमारी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। एडवोकेट महमूद प्राचा सर ईमानदारी के साथ और पूरी खुददारी के साथ जमकर अपनी जान दांव पे लगाकर हम दलितों के लिए लड़ते हैं। हमारे दलित नेता जो खुद है, मैं दलितों में दलितों के कहूंगा, क्योंकि जो हमारे दलित है, हमने जिनको संसद में बिठाया, एक नमक हराम यहाँ पर नहीं आया। और एक बात और बता देना चाहता हूँ उन संघियों को, कान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो सोचते हैं ना महमूद प्राचा सर के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बाबा साहब के नहीं आइए। और हमने जो हम जिस तबके के आते हैं, अगर कोई इंसान हमारे लिए पसीना बहाता ना, हम उनके लिए खून बहाते हैं, उनकी नदियां बहा देंगे। साथ में अगर कुछ टच भी हुआ या अगर इनके साथ में किसी ने हिम्मत भी किया ना, खून का एक एक कतरा सैलाब बन जाएगा। जय 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 भीम, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, उन नमक हरामों की को याद दिलाने के लिए कि जिनकी वजह से हम, और हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है, इन नौकरों को हम याद दिलाएंगे इनकी नौकरी क्या है। और एक मैसेज दिया था कि आप ये मत सोचे हम शांति से यहाँ बैठ के और जय भीम के नारे लगा के आपको कोई मैसेज नहीं जा रहा है, ये कॉल पे मैसेज दिखाया हमने, रैली के माध्यम से पीसफुल रैली करी है, एक हफ्ते की तैयारी थी, बिल्कुल सही बात, एक हफ्ते की तैयारी में हमने एक पीसफुल मार्च करके एक मैसेज दिया है कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो ये लड़ाई आगे हो, पिक्चर देखना आज यूनिवर्सिटी। साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने मोर्चे की तरफ जाएंगे और शांतिपूर्ण जितने भी हमारे वक्ता हैं जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी आएगी। जब चुनाव लड़ोगे रोहित वेमुला इंतजार कर रहा है, पायल सर भी इंतजार कर रही है, आईआईटी का अनिल इंतजार कर रहे हैं, सर इंतजार कर रहा है, आयुष आईआईटी का, सर सर के जातिवादियों को उखाड़े को उखाड़ के फेंकना है, इनको बताना नीले झंडे की ताकत क्या है सर, जब तक संघवाद की कबर नहीं खुद जाती संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, बहन ऋतु के न्याय में, न्याय दो न्याय दो, बहन ऋतु को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, बहन ऋतु को न्याय दो, न्याय